तो दोस्तों आज के शॉर्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कैनवा पर प्रेजेंटेशन कैसे बना सकते हैं। अगर आपके अंदर डिजाइनिंग स्किल्स नहीं है या आपको प्रेजेंटेशन बनाने नहीं आती है, फिर भी आप कैनवा का यूज़ करके बहुत ही प्रोफेशनल लेवल का प्रेजेंटेशन बहुत ही कम समय में बना सकते हो। आइए मैं आपको इसे प्रैक्टिकली दिखाता हूँ, आप देख कर खुद समझ जाइएगा। तो आपको करना क्या है, पहला स्टेप गूगल पर जाकर के कैनवा सर्च करना है। कैनवा सर्च करने के बाद यहाँ पर कैनवा ऑनलाइन डिज़ाइन आएगा, इसे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेगा, एक ट्राई कैनवा प्रो फ्री फॉर 30 डेज, एक गेट कैनवा फ्री। तो फिलहाल हमें यहाँ पे फ्री वाले का यूज़ करना है। और साथ ही यहाँ पे लॉगिन और साइन अप का बटन दिया हुआ है, तो आप साइन अप कर लीजिएगा ताकि आप जो भी डिज़ाइन करें वो आपके कैनवा पर सेव हो जाए, जिसे आप बाद में एडिट भी कर सकें। तो फिलहाल मैं यहाँ पर गेट कैनवा फ्री करता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कैनवा का कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आएगा, जहाँ आपको कई बहुत सारी चीज़ें दिखाई देंगी, जैसे प्रेजेंटेशन है, वीडियो है, इंस्टाग्राम पोस्ट है। पर फिलहाल हमें करना है क्या, प्रेजेंटेशन बनाना है। और सबसे पहला काम यहाँ पे आपको अंदर आके क्या करना है, साइन इन कर लेना है। जैसा कि मैंने बताया, साइन इन करने पर आपका जो भी डिज़ाइन होगा वो सेव हो जाएगा। तो चलिए अब आगे की बात करते हैं। यहाँ पे प्रेजेंटेशन दिया हुआ है, अगर आपके डैशबोर्ड में ये नहीं आ रहा तो आप ऊपर सर्च करके यहाँ प्रेजेंटेशन आपको सर्च करना है। प्रेजेंटेशन यहाँ पर आ चुका है, इसे क्लिक करना है आपको। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर बहुत सारा टेम्पलेट आ रहा है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, सर्च करने के बाद यहाँ पे बहुत सारा टैम्पलेट आ रहा है प्रेजेंटेशन के लिए। तो यहाँ पे ये सारा आप देखिएगा प्रो है, मतलब इसे आप डाउनलोड नहीं कर सकते, ये पेड है, इसके लिए आपको पेमेंट करना होगा। तो यहाँ पे बहुत सारा फ्री भी है, तो मैं फ्री वाला को यूज़ करता हूँ। अब जैसे ही अपने कर्सर को ले जाइएगा टैम्पलेट पर, वहाँ पर फ्री लिखा हुआ आ जाएगा। तो फिलहाल मैं अभी इस टैम्पलेट को यूज़ करने जा रहा हूँ। इसे मैंने क्लिक किया सिंपली। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर बहुत सारा टैम्पलेट आ गया, लगभग 20 टैम्पलेट है इसके अंदर, ठीक है। इसे आपको कुछ नहीं करना है, बस बिल्कुल ही आसान है, यहाँ पे बस आपको एडिट करते जाना है। यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है, उसके जगह पे आपको अपने टेक्स्ट को लिखना है। जैसे मैं यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम प्रेजेंटेशन, अब मुझे प्रेजेंट करना है ऑपरेटिंग सिस्टम को, तो मैंने वो हेडिंग में वो दे दिया जो हमारा पहला पेज होगा। आप यहाँ पर अपना नाम दे सकते हैं, आदित्य आनंद। अब और कुछ टेक्स्ट ऐड करना चाहता हूँ तो यहाँ टेक्स्ट का आपको साइड में ऑप्शन मिलेगा लेफ्ट साइड में। अब टेक्स्ट पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे आपको क्लिक करने के बाद ऑप्शन आ जाएगा, तो आप यहाँ पे भी कुछ लिख सकते हैं। पर फिलहाल मुझे ये नहीं चाहिए, मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। तो ये हमारा पहला पेज हो गया, आप दूसरे पेज में जाते हैं। अच्छा, एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ आप क्या कर एनिमेशन भी लगा सकते हो, ठीक है। फॉन्ट को चेंज भी कर सकते हो, कलर भी चेंज कर सकते हो। तो कलर चेंज करने के लिए क्या करना है, आपको जिस भी टेक्स्ट का कलर चेंज करना है उस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर ऊपर में देखिए कलर का ऑप्शन आ गया, टेक्स्ट कलर। तो यहाँ पर बहुत सारा कलर है, आप कोई भी कलर को यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। और दूसरा यहाँ पर साइज, साइज को आप यहाँ पर घटा बढ़ा सकते हो प्लस और माइनस से। आप इसे डिफाइन भी कर सकते हो, जितना भी आपको साइज चाहिए यहाँ पर आप लिख दो, उतने साइज़ में ये टेक्स्ट आपका आ जाएगा। और तीसरा क्या है, फॉन्ट है। तो फॉन्ट यहाँ पे आपको कई सारा मिल जाएगा, आपको जो भी फॉन्ट पसंद है आप उस फॉन्ट को यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो ये हमारा पहला स्टेप हो गया, पहला पेज हो गया। अब प्रेजेंटेशन है तो ये अपने आप स्लाइड होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको क्या ना, टाइम भी दिया हुआ है, एडिट टाइमिंग, यहाँ पे आपको जाना है। अब इस टाइम में आपको क्या करना है ना, आपको टाइम को थोड़ा बढ़ाना है। अब जैसे यहाँ पर सेकेंड में है, तो कोई भी प्रेजेंटेशन होगा, कोई भी एक पेज चलेगा, तो वो मुझे नहीं लगता 30 सेकेंड से ज़्यादा चलेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बस जितना भी सेकंड आपको चाहिए, जैसे मुझे यहाँ पे 16 सेकंड या 15 सेकंड चाहिए, तो मैंने यहाँ पे 15 सेकंड पे करके छोड़ दिया है, ठीक है। हालांकि पहला पेज 15 सेकंड का नहीं होगा, क्योंकि बुक में बस ऑपरेटिंग सिस्टम प्रेजेंटेशन जो आपको टॉपिक है वो लिखा होगा, तो इसे मैं थोड़ा कम रखता हूँ, मैं इसे 5.5 कर देता हूँ, ठीक है, ताकि 5 सेकंड में लोग इसे पढ़ लें खाली। तो अब दूसरा स्टेप क्या, सेकेंड पेज में आते हैं। यहाँ पर भी टेक्स्ट पहले से लिखा हुआ है, आपको बस एडिट करते जाना है, आप जो भी लिखोगे आ जाएगा। तो यहाँ पे जैसे मुझे टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर दूसरे पेज में ऑपरेटिंग सिस्टम क्या ये लिखना है, तो आपको बस कॉपी पेस्ट करना है, गूगल से उठाना है, यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है, वो आ जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इमेज के थ्रू आप कुछ दिखाना चाहें, क्योंकि अब प्रेजेंटेशन है तो इमेज तो रहेगा, इमेज बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रेजेंटेशन का, तो आपको क्या करना है ना, यहाँ पर आपको अपलोड में जाना है, ठीक है। अपलोड में अपलोड मीडिया जो ऊपर देख रहे हैं आप, इस पर आपको क्लिक करना है। फिर डिवाइस में जाना है, आपने जो भी गूगल से इमेज डाउनलोड किया है उससे क्या करना है आपको, जैसे मैंने जो डाउनलोड किया है यहाँ पे ये इमेज टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, इसे क्या करना है बेसिकली यहाँ पे क्लिक करके ओपन कर लेना है। जैसे आप ओपन कीजिएगा आप देखेंगे यहाँ पे वो आ चुका है। अब इसे आप आराम से यूज़ कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के, इसे बस ड्रैग एंड ड्रॉप करना है।
इसके साइज को आप इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं, इस तरीके से आप इमेज का भी यूज कर सकते हैं। और फिर इसके बारे में अगर आपको कुछ लिखना है तो आप वो लिख सकते हैं। अगर आप इसके पीछे के बैकग्राउंड के कलर को चेंज करना चाहेंगे तो आप इसके सिंपली क्या करना है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है इस टेम्पलेट पे, और यहाँ पे आप देखिएगा साइड में बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है, जो भी कलर आपको रखना है आप उस कलर में इसे कर सकते हैं। और दूसरा जो पेज है उसका टाइमिंग भी हम लोग 5 सेकेंड रखे हैं। ठीक है, अब उसी तरह आपको तीसरे पेज में बढ़ना है। तीसरे पेज में आपको जो भी प्रेजेंट करना है, यहाँ पे आपको बना बनाया इलस्ट्रेशन इमेज भी मिल जाएगा जो बहुत ही दिखने में अच्छा लगेगा, प्रोफेशनल लगेगा। आपको बस एडिट करके आपको अपने टेक्स्ट को यहाँ पे लिखते जाना है। इसी तरह आपको पूरा प्रेजेंटेशन तैयार कर लेना है एनिमेशन के साथ। एनिमेशन कैसे लगेगा, जैसे आपको इस टेक्स्ट में या जो पहला पेज है हमारा, हम चाहते हैं इसमें थोड़ा एनिमेशन हो जाए ताकि ये दिखने में अच्छा लगे। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए फेड लिखा हुआ है, ये एनिमेशन है। तो यहाँ पे बहुत सारा एनिमेशन है आप देखेंगे, तो दिखने में काफ़ी बढ़िया लग रहा है। तो आपको कोई एक एनिमेशन चूज करना है, फिलहाल मैं फेड को ही रहने देता हूँ। तो अब दूसरे पेज में भी आप उसी टाइप से एनिमेशन का यूज़ कर सकते हैं। और फिर जैसा कि मैंने बताया, तीसरे पेज में आपको बस अब लिखते जाना है एडिट करके, कलर चेंज करना है आपको तो कलर चेंज कर सकते हैं, यहाँ से साइज को डिक्रीज इंक्रीज कर सकते हैं, फॉन्ट को यहाँ से चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट एक्स्ट्रा कुछ लिखना है तो यहाँ से आप लिख सकते हैं। आप अपलोड में जा करके अपने इमेजेस को जो आपने डाउनलोड किया है उसे भी यहाँ यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली डाउनलोड कर लेना है। जैसे यहाँ पे 1, 2, 3 पेज है। ठीक है, तो मैं इस 3 पेज को फिलहाल डाउनलोड करता हूँ, करके आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे चलता है और डाउनलोड होता कैसे है। तो आपको ऊपर जो शेयर के बगल में डाउनलोड का आपको आइकॉन दिख रहा है उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे टोटल 21 पेज है। ठीक है, और यहाँ पे पीडीएफ स्टैंडर्ड है, ठीक है, जो सजेस्टेड है कि आप, ये कह रहा है कि आप पीडीएफ स्टैंडर्ड में आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, पर मैं यहाँ पे MP4 वीडियो करता हूँ। MP4 वीडियो सेलेक्ट करने के बाद मुझे यहाँ पे पूरा पेज नहीं चाहिए, 21 पेज नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे 1 चाहिए, 2 चाहिए और 3 चाहिए। इसे मैं डन करता हूँ और इसे मैं सिंपली डाउनलोड कर लेता हूँ ये। तो जैसा कि आप देखें कि बहुत ही सिंपल इसका स्टेप है, प्रेजेंटेशन बनाना बहुत ही आसान है। उसी तरह बहुत सारे टेम्पलेट है, आप इस पर थोड़ा सा काम करोगे, इसमें आपको इसके और भी बहुत सारे फंक्शन है जो आपको देखने को मिल जाएंगे अगर आप इस पर थोड़ी देर काम करोगे तो। वीडियो हमारा डाउनलोड हो चुका है, देखते हैं दिखने में कैसा लग रहा है। देखिए 5 सेकेंड बाद वो ऑब्वियसली है कि नेक्स्ट पेज पे आ गया, तो दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो इस तरीके से आप प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हो। जैसा कि आपने देखा कि बहुत ही सिंपल स्टेप में हमने एक प्रेजेंटेशन को तैयार कर लिया है। तो सिंपली अगर प्रेजेंटेशन 10 पेज का भी हो या 5 पेज का हो या 20 पेज का ही क्यों ना हो, आप उसे बहुत ही कम समय में बस एडिट करके तैयार कर सकते हो और अपने टाइम को बचा सकते हो और प्रोफेशनल थंबनेल बना सकते हो। तो अब मैं एक बार होम पे आता हूँ फिर से। सिंपल स्टेप है, आपको गूगल पे कैनवा सर्च करना है, उस पर आपको साइन इन कर लेना है, फिर आपको प्रेजेंटेशन में जाना है। और रजिस्टर करने का फ़ायदा मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो भी मैंने अभी डिज़ाइन किया देखिए वो सेव हो चुका है, अब मैं इसे एडिट भी कर सकता हूँ, यही इसका एक फ़ायदा है। तो इस तरीके से आप प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हो। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं अगले वीडियो में।